बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टेक स्टडी एंटरटेन पे। फ्रेंड्स, आपके बिहार बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम में मात्र 3 दिनों का समय बचा हुआ है और यह 3 दिन आपको मेरे शेड्यूल के अनुसार जो है देखना है, ठीक है। जो भी मैं आपको 3 दिन में पढ़ाने वाला हूं आप उसको जरूर देखिएगा। इस 3 दिनों में मैं यहां कम से कम 14 से 15 वीडियो अपलोड करने वाला हूं। अगर आप इतनी वीडियो देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो है ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी, सारे क्वेश्चन आप वहाँ पर सही करके आ सकते हैं। बस इतना आपको कंटिन्यू जो है वीडियो देखना होगा। और उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि 500 का जो PDF मैंने करंट अफेयर्स का और साइंस का दिया है आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग स्पेशल बिहार के GK करने वाले हैं। आप लोगों की लगातार कमेंट आ रही थी कि सर बिहार से संबंधित प्रश्न करवाइए, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बिहार से संबंधित प्रश्न कराने वाला हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आप बने रहे मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि माफिया गिरोहों को खत्म करने के लिए बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था। तो ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। मैं ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं दूंगा क्योंकि आप सभी जान रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे करना है। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे D हो जाएगा, यानी कि ऑपरेशन कोबरा। माफिया गिरोहों को खत्म करने के लिए बिहार में जो है ऑपरेशन कोबरा ऑपरेशन शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे कि ऑपरेशन उजाला किस जिले में शुरू किया गया था, पटना में, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर, दरभंगा में। तो देखिए, पटना उजाला जो है यह शुरू किया गया था कहाँ, मुजफ्फरपुर जिला में शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप यहाँ पे कि ऑपरेशन धनवंतरी बिहार में क्यों शुरू किया गया था, आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर समाज के लिए। चलिए मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, आपको यहाँ पे 5 सेकंड का टाइम दूंगा, आप यहाँ पे इसका आंसर कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि बाजार में अवैध और नकली दवाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन धनवंतरी को बिहार में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार में अपराध खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लैंक फैंटर किस जिले में शुरू किया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप इस 4 ऑप्शन में से एक आंसर को सिलेक्ट करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट है कि बिहार में ऑपरेशन चाणक्य क्यों शुरू किया गया था, बिहार में ऑपरेशन चाणक्य शुरू किया गया था, क्यों शुरू किया गया था आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाजार में दैनिक आवश्यक वस्तुओं में मिलावट समाप्त करने के लिए जो है बिहार में चाणक्य ऑपरेशन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे कि बिहार में ऑपरेशन टैक्स फोर्स का क्या उद्देश्य था। ठीक है, बिहार में ऑपरेशन टैक्स फोर्स भी यहाँ पे लाया गया था, इसके क्या उद्देश्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नक्सली गतिविधियों को अंत करना। ठीक है, जो भी नक्सली गतिविधियां है बिहार में ज्यादातर उसको अंत करने के लिए ही बिहार में टैक्स फोर्स लाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे कि अक्टूबर 1989 भागलपुर सांप्रदायिक संघर्षों की जाँच के लिए जाँच पैनल की अध्यक्षता किसने की थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से आप जो है 4 ऑप्शन में से सही आंसर को यहाँ पे करेंगे। तो इसका राइट आंसर मैं कर देता हूँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जस्टिस NN सिंह ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि बिहार में जहानाबाद जेल नरसंहार कब हुआ था। ठीक है, बिहार में जहानाबाद जेल संहार हुआ था, कब हुआ था आपको बताना है। यह बिहार GK का पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 भी आपका यहाँ पे वीडियो अपलोड होगा, यानी कि हम लोग टोटल 200 क्वेश्चन करने वाले हैं। और हर सब्जेक्ट से जो भी सब्जेक्ट है आपका वहाँ से मैं 200 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, एक एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन। अगला कि बिहार का कौन सा संगठन वामपंथी है। तो आपके सामने ऑप्शन 4 है, तो आपको इसमें से सिलेक्ट करना है। तो मैं इसका राइट आंसर कर देता हूँ ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माओइस्ट कम्युनिस्ट क्लब। ठीक है, चलिए अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 3 दिन तक मेरी जो भी वीडियो आती है जरूर उसको देखिएगा एग्जाम से पहले तक। अगला कि बिहार के जमींदारों ने कौन सी प्राइवेट सेनाइट बनाई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी बिहार के जमींदारों ने कुंवर सेना, ब्रह्मसी, ठीक है, सेना और रणवीर सेना, यानी सभी को यहाँ पे प्राइवेट सेनाएं बनाई गई है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिलों को अतिवाद के मुख्य केंद्र माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका दिया हुआ है 4 ऑप्शन, तो मैं इसका राइट आंसर कर देता हूँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जहानाबाद और भोजपुर जिला को। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बिहार में बढ़ती चरमपंथी गतिविधियों को पीछे मुख्य कारण क्या है। तो आप समझ सकते हैं कि जो बिहार में चरमपंथी जो गतिविधियाँ है उसके पीछे जो कारण है वह मेन कारण है सभी नौकरशाही में असमानता, ठीक है, सामंती प्रभुत्व और भूमिहीन लोगों की अधिकता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि बिहार में सबसे कम साक्षरता जो है किस धर्म के लोगों की है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 धर्म दिया गया है, हिंदू, ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम। तो आपको बताना है कि सबसे साक्षरता धर्म जो है किस में है, दर कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुस्लिम में है। ठीक है, यहाँ पे साक्षरता दर की बात करें तो बहुत ही कम है। अगला है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता जो है किस धर्म की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, जैन धर्म की जो है सबसे अधिक साक्षरता है। अगला प्रश्न देखेंगे बिहार में सबसे कम लिंगानुपात जो है किस धर्म से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि बौद्ध धर्म से है लिंगानुपात जो है सबसे कम।
अगला कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस धर्म में है, तो सबसे कम तो हम देख लिए, अब यहाँ पे सबसे अधिक देखते हैं, तो सबसे अधिक बात करें तो ईसाई धर्म में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में मुस्लिमों की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी, ठीक है, तो जब 2011 की जनगणना हुई थी तो उस समय बिहार में मुस्लिमों की जो जनसंख्या थी वह 16.87% था, ठीक है, आप ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हैं आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में हिंदुओं की कितनी जनसंख्या है, देखिए बिहार में हिंदुओं की सर्वाधिक जनसंख्या है और यह जनसंख्या जो है कितनी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 82.69% हो जाएगा, ठीक है, चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखेंगे कि बिहार में 2011 जनगणना से हिंदुओं की कितनी जनसंख्या है, यहाँ पे आप बता सकते हैं, आपके सामने चार ऑप्शन है तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हिंदुओं की संख्या देख सकते हैं, चलिए ठीक है आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला देखेंगे कि बिहार में सबसे कम जो है किस धर्म के अनुयायी हैं, आपको बताना है कि किस धर्म को मानने वाला सबसे कम है, यहाँ पे अनुयायी की बात हो रही है, कम नहीं है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैन धर्म का, ठीक है, इसको फॉलो है। अगला कि बिहार में आंतरिक जलमार्ग विकास प्राधिकरण किसने स्थापित किया था, तो आपके सामने चार ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर मैं कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार सरकार ने किया था, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार में स्टीमर द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर भी मैं कर देता हूं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पटना से मीनापुर, क्या हो जाएगा, पटना से मीनापुर। अगला प्रश्न देखेंगे आप बिहार में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग गुजरता है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है तो इसका भी राइट आंसर मैं कर देता हूं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा जरूर। बिहार में किस जगह पर फ्लाइंग और ग्लाइडिंग क्लब है, ठीक है, फ्लाइंग और ग्लाइडिंग क्लब कहाँ पे है, तो यह जो है पड़ेगा आपका पटना में पड़ेगा, कहाँ पे, पटना में है फ्लाइंग और ग्लाइडिंग क्लब। अगला प्रश्न है कि गया हवाई अड्डे का को इंटरनेशनल स्टेटस कब मिला, मतलब इंटरनेशनल दर्जा अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब मिला इसको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यानी कि 2002 में, कब मिला था, 2002 में मिला था गया हवाई अड्डे को। अगला कि बिहार से नेपाल जाने के लिए सर्वाधिक किस हवाई अड्डे का प्रयोग किया जाता है, देखिए बिहार से नेपाल जाने के लिए सबसे अधिक जो हवाई अड्डा का प्रयोग होता है वह रक्सौल हवाई अड्डा, ठीक है, रक्सौल में हवाई अड्डा है वहाँ का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे बिहार में किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है, तो देखिए अभी आप बात करें तो यहाँ पे हवाई अड्डा की बात करें तो मुंगेर में नहीं है, देखिए मुजफ्फरपुर की बात करें तो हवाई अड्डा पहले था लेकिन अभी जो है बना नहीं है, लेकिन यहाँ पे बनने वाला है, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो है पता ही, जो हवाई अड्डा है वह बहुत पहले रह चुका है, ठीक है, तो इसलिए इसमें नहीं दिया हुआ है, आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ भी तो नहीं है, तो हाँ यहाँ भी नहीं है लेकिन यहाँ पे पहले रह चुका है, अभी भी वह जो है पूरा वैसा कि वैसा ही बनने के लिए वहाँ पे प्रोजेक्ट जो है पास भी हो रहा है। चलिए तो अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बिहार में कितने हवाई अड्डे हैं, तो देखिए बिहार में हवाई अड्डे कितने, आपको इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कितने हवाई अड्डे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इधर जो है चेंजिंग हुआ है, कुछ बढ़ा भी है, ठीक है, अभी जो है दरभंगा एयरपोर्ट बनने वाला है वहाँ पे, अभी उसकी भी शुरू होने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सभी को कमेंट करना है कि कितना हो गया है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला है कि अब्दुल बारी पुल बिहार में कहाँ है, तो देखिए अब्दुल बारी पुल की बात करें तो यह सोनपुर में है जो कि हाजीपुर में पड़ता है, ठीक है, आपको पता है। चलिए अगला है प्रश्न यहाँ पे कि बिहार में कौन सी ट्रेन नहीं चलती है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेन नहीं चलती है की बात है, देखिए यहाँ पे कलिंग एक्सप्रेस जो है बिहार में नहीं चलती है, बाकी विक्रमशिला एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस और उत्तरी बिहार एक्सप्रेस बिहार में चलती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि बिहार में जन शताब्दी एक्सप्रेस कब शुरू हुई थी, तो बात करें जन शताब्दी एक्सप्रेस की तो बिहार में यह 2002 में शुरू हुआ था, कब हुआ था, 2002 में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन बिहार से जाती है, ठीक है, तो बिहार से जो ट्रेन जाती है वह हो जाएगी सभी, यानी कि इस्पात एक्सप्रेस, साबरमती एक्सप्रेस और गीतांजलि एक्सप्रेस, सभी जो है बिहार से चलती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे कि बिहार से किस क्षेत्र की ट्रेन नहीं गुजरती है, तो आपको बताना है कि किस क्षेत्र की ट्रेन यहाँ से नहीं गुजरती है, तो देखिए पश्चिम रेलवे जो है उसकी ट्रेन जो है यहाँ से नहीं गुजरती है, और मैं यह क्वेश्चन करा चुका हूँ, आपको बताना है कि पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर मैं कर देता हूँ, यह क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करा हूँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है हाजीपुर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि अन्य राज्यों की तुलना में रेल परिवहन के संबंध में बिहार किस स्थिति में है, तो देखिए अन्य राज्यों की तुलना में अगर बात करें बिहार की तो बिहार यहाँ पे पांचवें स्थान पे है रेल परिवहन में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो बिहार के जो रेल मार्ग हैं उसकी कुल लंबाई की बात करें तो 5188 किलोमीटर है, कितना है, 5188 किलोमीटर तक फैला हुआ है।
अगला कि बिहार में रेल यातायात कब शुरू हुआ था। सबसे पहले आपको बताना है कि बिहार में रेल कब शुरू हुआ था, तो देखिए बिहार में रेल जो है 1860 से 62 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1860-62 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि बिहार में सर्वाधिक सड़कों का नियंत्रण किसके पास है। देखिए जो सर्वाधिक सड़कों का नियंत्रण जो होता है वह किसके पास होता है? जिला परिषद के पास है। ठीक है, बिहार में किसके पास है? जिला परिषद के पास है। ऑप्शन बी। अगला है कि बिहार में वाराणसी से ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से शुरू होता है। तो देखिए बिहार में बात करें वाराणसी से ग्रैंड ट्रंक रोड की, तो यह शुरू होता है कहाँ से? मोहनिया से, भभुआ मोहनिया है ना, चलिए वहाँ से शुरू होता है। अगला है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो बात करें बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई, तो यह 2100 किलोमीटर है। ठीक है, 2100 किलोमीटर कुल लंबाई है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से नहीं जाता है, इसमें बताना है। देखिए बात करें यहाँ पे तो NH30 बिहार से जाता है, NH81 और NH85 भी जाता है, लेकिन NH15 जो है बिहार से नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि बिहार के किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई है। तो देखिए बात करें सर्वाधिक लंबाई की, तो यह हो जाएगा NH31। ठीक है, इसकी लंबाई जो है सबसे अधिक है, NH31 ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कि बिहार में कौन सी प्रसिद्ध राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है। तो प्रसिद्ध राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो यह कौन सा हो जाएगा? NH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NH2 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखेंगे कि बिहार में गांधी सेतु कहाँ है, बहुत ही प्रसिद्ध है, आप सभी को पता है यह कहाँ है, यह जो है पटना में है। ठीक है, पटना में है, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर कि बिहार के सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। तो बिहार के अगर सड़कों की कुल लंबाई की बात करें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सही 76,167 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रसिद्ध बांध कौन सा है। बिहार का जो सबसे प्रसिद्ध बांध है यहाँ पे आपको बताना है, तो बिहार का प्रसिद्ध बांध कौन है? बधुआ बांध। कौन है? बधुआ बांध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा गोखुल झील का भाग है। देखिए जो गोखुल झील का भाग है वह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप अपने स्क्रीन पे कि बिहार में झील और जिले का कौन सा मिलान गलत है। देखिए आपका एक जो मिलान यहाँ पर गलत है, बाकी सही है। देखिए हम बात करें तो कंवर झील जो है कहाँ पे है? बेगूसराय में है। श्रामण झील कहाँ है? बेतिया में है। मोती झील कहाँ है? मोतिहारी में है। लेकिन यहाँ पे पिपरामन झील जो है परसा में नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिला और वहाँ के प्रसिद्ध खाने में कौन सा मिलान गलत है, और आपको बताना है कि यह खाने जो है कहाँ है। देखिए जैसे सुर्खी धान चिवड़ा कहाँ पे स्थित है, यह कारखाना भागलपुर में है। खान जो है सोन पापड़ी कहे तो बक्सर में है, खुरमा कहे तो उदंतपुर नगर में है, लेकिन बीहिमा की चूड़ी जो है मुजफ्फरपुर में नहीं है। चलिए ये गलत है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि बिहार में लीची उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है। तो सभी को पता है बिहार का जो मुजफ्फरपुर जिला है वह लीची उत्पादन में जो है सबसे अधिक उत्पादन करता है, लीची का मुजफ्फरपुर से। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में फल विकास और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबौर में। बिहार में फल विकास और अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सबौर में स्थित है। अपने भी बिहार में बहुत कुछ है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं है। बिहार में चावल विकास और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह देखिए चावल अनुसंधान की बात करें तो यह आरा में है, भोजपुर में है। कहाँ है? आरा जिला में। चलिए अगला कि बिहार में ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है। तो बिहार में बात करें टोटल ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1486 हो जाएगा। कितने शाखा है? 1486। चलिए और इसमें बढ़ोतरी भी हुई है इधर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो बिहार में विभाजन के बाद कितने ग्रामीण बैंक हैं? तो इसका आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो बिहार में विभाजन के बाद कितने ग्रामीण बैंक है अभी आपको जो है यहाँ पे इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में बैंकों का क्रेडिट अनुपात क्या है। तो देखिए बात करें बिहार में बैंकों का क्रेडिट अनुपात, तो इसका आइटम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 70:30 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि बिहार में मुख्य औद्योगिक वित्तीय संस्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार राज्य वित्तीय निगम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी। तो इसका स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि बिहार के किस बैंक की सर्वाधिक शाखा है। ठीक है, बिहार में जो है कौन सी बैंक है जिसकी सर्वाधिक शाखा है। तो सबसे ज़्यादा बिहार में शाखा है जो भारतीय स्टेट बैंक की है, और इसकी शाखाएं भी विदेशों में भी सबसे अधिक ही हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में किस बैंक की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। बिहार में कौन से बैंक सबसे पहले आया था आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद बैंक। सबसे पहले कौन सी बैंक यहाँ पे काम कर रही थी? इलाहाबाद बैंक। अगला प्रश्न यहाँ पे कि बिहार किस धर्म का तीर्थ है। तो देखिए सभी को पता है कि बिहार जो है यहाँ पे सभी का है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म, सभी धर्मों का यहाँ पे है तीर्थ है।
अगला प्रश्न यहाँ पे कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर का जन्म आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिमरिया यानी कि मुंगेर जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मुंगेर जिला है। चलिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट भी मुंगेर जिला से होंगे। अगला कि निम्नलिखित में से किस शासक ने देश की मुद्रा के रूप में सिक्के का प्रचलन किया था। देखिए देश की मुद्रा के रूप में सिक्के का प्रचलन किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था। देखिए आर्यभट्ट की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 473 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 473 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिहार में कीवा जिले के गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए कौन सा? भोजपुरी, वैशाली, नालंदा, पटना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वैशाली से। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो बात करें उदंतपुरी विश्वविद्यालय की, इसकी स्थापना 770 ईस्वी में हुई थी। अगला देखेंगे बिहार का उदंतपुरी विश्वविद्यालय किस विषय के लिए प्रसिद्ध था। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तंत्र के लिए। किसके लिए? तंत्र के लिए प्रसिद्ध था उदंतपुरी विश्वविद्यालय। अगला कि बिहार के निवासियों को वृत्य किस में कहा गया है। तो इसका राइट आंसर मैं कर देता हूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंचबीस ब्राह्मण में। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि बोध गया में बुद्ध मंदिर किसने बनवाया था। तो देखिए बोध गया में जो बुद्ध मंदिर बनाया था किसने बनाया था? समुद्रगुप्त ने बनाया था। किसने? समुद्रगुप्त ने बनवाया था। अगला प्रश्न यहाँ पे कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जिनका जन्म 1975 में हुआ था, सॉरी 1975 में नहीं होता, जून 1975 में कहाँ गिरफ्तार हुए थे। ठीक है आपको बताना है कि लोकप्रकाश जो जयप्रकाश नारायण थे जून 1975 में कहाँ गिरफ्तार हुए थे? पटना, दरभंगा, नई दिल्ली या मुजफ्फरपुर। तो इसका आइटम हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नई दिल्ली से गिरफ्तार हुए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे कि संपूर्ण क्रांति को सफल बनाने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण छत्र युवा संघ वाहिनी नामक गैर राजनीतिक संगठन का गठन कब किया। ठीक है इनको लोकनायक भी कहते हैं जयप्रकाश नारायण को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 जनवरी 1975 को, और उसी में जो है वे गिरफ्तार हुए थे। अगला कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 जून 1973 को। अगला प्रश्न देखेंगे कि जयप्रकाश आंदोलन के दौरान सरकार के दमनकारी उपायों के विरुद्ध में किस साहित्यकार ने अपना पद्मश्री वापस कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फणीश्वर रात देन ने। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण को अप्रैल 1974 में पटना में क्या उपाधि दी गई थी। तो पटना में जो उपाधि दी गई थी वह लोकनायक, और इनको लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कि मार्च 1974 में बिहार के किस अखबार के कार्यालय में आग लगी थी। देखिए 1974 में बिहार के किस अखबार कार्यालय में आग लगी थी आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सर्च लाइट प्रदीप में। ठीक है चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कि जयप्रकाश आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यानी कि 1974 में। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि लोकनायक जयप्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? छपरा में हुआ था। कहाँ? छपरा में। अगला प्रश्न यहाँ पर कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनके जन्म की बात करें तो इनका जो है सारण में हुआ था, जीरादेई में। ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे देखेंगे किस महान स्वतंत्रता सेनानी की याद में आरा जिले में सोन नदी पर कोइलवार पुल का नाम बदलकर बारी पुल रखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी अब्दुल बारी। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि बिहार सरकार हर साल 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में किस महान शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वीर कुंवर सिंह। ठीक है चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे देखेंगे कि 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना किसने किया था। तो 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसका जन्म बिहार में नहीं हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बीपी सिंह का। बाकी जगजीवन राम का बिहार में हुआ था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का भी, और आर्यभट्ट का जो है बिहार में ही जन्म हुआ था। अगला है कि जगजीवन राम का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था। तो इनकी जन्म की बात करें तो बिहार में इनका जो है भोजपुर जिला में यानी चंद्रवार गांव पड़ता है वहां पे हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहां पे कि बिहार के किस नेता को जेपी कहा जाता है। जेपी आपको पता है, यहां पे मैंने अभी बताया है कि किसको। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि जगजीवन राम भारत के उप प्रधानमंत्री कब बने थे। तो ये भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे 1977 ईस्वी में। कब बने थे? ध्यान रखिएगा 1977 में। अगला कि जगजीवन राम को किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाबू जगजीवन राम के नाम से जाना जाता है। और इनकी समाधि कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कब से कब तक बिहार के राज्यपाल बने रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा यानी कि 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक बने रहे थे बिहार के राज्यपाल।
अगला कि 2001-2002 में किस राजनीतिक नेता की जयंती मनाई गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे आप यहाँ पर कि बिहार में बड़ा भूकंप कब आया था जिसने धन जन धन की अपार हानि हुई थी, तो यह जो है बहुत पहले भूकंप आया था 1934 में, जो कि बहुत ही भयानक भूकंप था, वहाँ पर बहुत जानमाल की क्षति हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत संचार निगम लिमिटेड मोबाइल फोन सेवाओं का लाभ उठाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बिहार ने, किसने, बिहार ने। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि भागलपुर में आयुर्वेदिक कॉलेज कौन सा है, तो देखिए भागलपुर में एक आयुर्वेदिक कॉलेज है जिसका नाम है अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज, कौन सा है, अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि बिहार में पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन कॉलेज कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटना में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अगम कुआं पटना में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पटना में निम्नलिखित में से कौन सा शोध संस्थान नहीं है, तो देखिए पटना में शोध संस्थान नहीं है, बाकी बात करें पटना में क्या क्या है, तो पटना में यह जो है सभी है, ठीक है, लेकिन बात करें जो नहीं है, चावल विकास और अनुसंधान संस्थान नहीं है, ठीक है, बाकी बिहार अनुसंधान संस्थान पटना में डॉक्टर ए एन सिन्हा अनुसंधान संस्थान पटना में ही है। अगला प्रश्न देखेंगे कि राबड़ी देवी पहली बार बिहार की मुख्यमंत्री कब बनी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 जुलाई 1997 ईस्वी को राबड़ी देवी पहली बार बिहार की मुख्यमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला शिक्षा मंत्री कौन था, तो बिहार के पहला शिक्षा मंत्री की बात करें तो सर गणेश दत्त थे, कौन थे, सर गणेश दत्त बने थे। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को अजात शत्रु कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस नेता को संविधान सभा के अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बिहार का कौन सा नेता मंडल आयोग का अध्यक्ष था, तो इसका आंसर आपको बताना है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महिला खेल महोत्सव का आयोजन बिहार में किसके द्वारा किया जाता है, तो देखिए महिला खेल महोत्सव का आयोजन बिहार में किसके द्वारा किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे कि बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के माध्यम से ब्लॉक से राज्य स्तर पर कौन सी खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका डी, यानी कि सभी, ध्यानचंद हॉकी प्रतियोगिता, विद्यालय खेल प्रतियोगिता, सुब्रतो कप, ये सभी जो है यहाँ पे प्रतियोगिता कराई जाती है। तो फ्रेंड्स ये बिहार जीके का पार्ट वन था, एक पार्ट टू भी इसका आएगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, उसके अलावा आपको प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद।